राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई के सिटी न्यूज। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों से ई संवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां आत्मनिर्भर भारत की ओर देश के बढ़ते कदमों का हवाला दिया, वहीं सीएम योगी ने लाभार्थियों का हाल जाना और उनसे आ रही व्यवहारिक दिक्कतों के बारे में भी पूछा। आगरा की महिला प्रीति को सीएम मोदी से सबसे पहले बात करने का मौका मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा की प्रीति से बातचीत की, शुरुआत नमस्ते से की। उन्होंने पूछा कि योजना के तहत किस तरह से लाभ मिला है। प्रीति ने बताया कि व्यापारी पूरी तरह से खत्म हो गया था, 10,000 रुपये का ऋण मिलने के बाद दोबारा काम शुरू किया। राजगंज निवासी प्रीति हल्का ठेला लगाती थी। उसी समय नेटवर्क में व्यवधान आने के बाद सीएम की प्रीति से बात अधूरी रह गई। कुछ मिनटों के बाद नेटवर्क सही होने पर उनका संवाद संपूर्ण हुआ। आगरा में इस कार्यक्रम की 2 जगह व्यवस्था की गई है। NIC सभागार में जिलाधिकारी PNC के अलावा जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। साथ ही यहां आगरा के 3 लाभार्थियों को बुलाया गया, जबकि सिर्फग्राम में बड़ी स्क्रीन लगाकर दूसरे लोगों को यह कार्यक्रम लाइव दिखाने की तैयारी की गई थी। कार्यक्रम स्थल पर लाभार्थी अपने सजे हुए ठेलों को लेकर पहुँचे। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 10,000 रुपये दिए गए हैं। इन्हें 1 साल के भीतर ये रुपए लौटाने होंगे। अगर निश्चित समावधि में ये लोग पैसा लौटा देते हैं तो अगले वर्ष इन्हें 20,000 रुपये दिए जाएंगे। आगरा की प्रीति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जताया आभार। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को प्रीति ने बताया डूबते को तिनके का सहारा। प्रीति ने बताया कि लॉकडाउन से पूर्व सब्जी की ठेल लगाती थी, लेकिन काम ठप हो गया था। नगर निगम से संपर्क का ऋण लिया, इसके बाद फल की ठेल लगवाई। प्रधानमंत्री ने पूछा कि नवरात्र में फल अधिक बिके होंगे। प्रीति ने कहा कि बिक्री ठीक हुई, बैंक की एक किस्त भी जमा कर दी है। पेटीएम पर भुगतान के बारे में भी PM ने जानकारी ली। प्रीति ने कहा कि वे लोग चेक कर लेती हैं कि किसी ने भुगतान किया है या नहीं। PM ने प्रीति से परिवार के बारे में भी ली जानकारी। प्रीति ने लॉकडाउन में जनधन खाते खाद्यान्न मिलने से परेशानी नहीं होने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने पैरों पर खड़ा होकर परिवार का पालन करें, बच्चों को पढ़ाएं। प्रीति ने कहा कि आप हमारी उंगली पकड़कर चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। PM ने कहा कि माताओं बहनों के आशीर्वाद से वो काम कर रहे हैं। PM ने डिजिटल पेमेंट से कैशबैक का लाभ उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि डिजिटल पेमेंट और कोरोना की सावधानी से सबके स्वास्थ्य की सुरक्षा होगी। प्रीति ने अपने पति राधेश्याम के पैरों में दिक्कत होने की भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो अफसरों को निर्देश देंगे, वो आपसे मिलकर परेशानी की जानकारी CM योगी जी को जानकारी देंगे। वाई के सिटी न्यूज से योगेश कुमार की रिपोर्ट, आगरा से। मेरा नाम प्रीति है। प्रीति क्या कहना चाहेंगी? मैं दानुपुरा की महिला हूँ, दानुपुरा रहती हूँ। सर, मेरे पास 3 बच्चे, 1 बेटा और मैं और मेरे पति हैं। घर में हम 6 सदस्य हैं। आज PM मोदी ने आपसे बात की, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, उनसे मैं बात करके बहुत खुश हूँ। एकदम भगवान की तरफ मेरे सामने आए थे और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ कि मैंने इतनी बड़ी खुश नसीबों से मैंने मुख्यमंत्री से बात की और मुझे बहुत अच्छा लगा। मोदी क्या क्या पूछा आपसे? पूछा कि ये योजनाओं का लाभ आप उठा रही हो? हाँ सर, हम उठा रहे हैं। और लॉकडाउन के वक्त जो हमें परेशानी पड़ी, उन्होंने हमारी हेल्प करी। और जनधन खाते में हमारे खाते में 4 किस्तों के द्वारा 500 रुपये भी मिले थे और फिर 10,000 रुपये का लाभ उठाया सर हमने। अच्छा है। बाकी आपने अपने पति को लेके भी कोई समस्या बताई थी? हाँ सर, पति के मेरे पैर में एक दिक्कत है जो कि नस ब्लॉक है उनके, उसके बारे में उन्होंने कहा है ध्यान देंगे। 10,000 रुपये जो मिले हैं आपको, आपने नया क्या किया है उनसे? सर, हमने फल की दुकान लगाई थी। पहले हम सब्जी की दुकान लगाते थे, लेकिन जब से 10,000 रुपये का लाभ उठाया जब से हम फल बेचते हैं। ठीक है, तो खेल नहीं करवाई सर। और उसके बाद में मैंने मतलब क्या सामान थोड़ा ज़्यादा लाने लगा, ज़्यादा ला लिया। उससे मुझे फ़ायदा हुआ कि 2 रुपये किलो चीज़ें सस्ती आ रही है, चाय की बस्ती पत्ती सस्ती आ रही है और दूध भी है क्या मेरा थोड़ा सस्ता आ गया। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, हमने उनके सामने था, मेरा नाम है इसमें
तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको भी कि आपसे भी कुछ बात करनी। मेरे भाई बंधुओं ने, मेरी बहनों ने, मेरे बदले क्या उससे मौका मिलता तो क्या बात करते? मिला क्या बात करते? मौका मिलता तो ये बात करते साहब, जो गरीबी योजना भी चल रही है उसका लाभ हमको मिलता है 10,000 रुपये, उससे है क्या हम बैंक से जुड़ गए। अब बैंक से जुड़ने में आज हमको 10,000 की मदद मिली है, कल हम इसको चुकाते हैं तो 20 की भी मिल सकती है, 50 की भी मिल सकती है।